साथियों नमस्कार। करवा चौथ के दिन एक ऐसी बेहद बुरी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसमें साथियों बता दें कि 11 महिलाओं के करवा चौथ धरे के धरे रहेगी, क्योंकि साथियों पतियों की 5 पतियों की ऐसे मौके पर मौत हुई है जिसमें साथियों बुरी तरह से करवा चौथ के दिन मातम पसर गया। जो साथियों महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है, वो उनका पति करवा चौथ से पहले ही साथियों गुजर गया। एक ऐसा दर्दनाक खबर निकलकर सामने आ रही है जो साथियों दमोह से, जहां पर दोस्तों इस तरह की एक बड़ा हादसा निकलकर सामने आ रहा है जिसमें दोस्तों 5 पतियों की मौके पर मौत हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर, भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। जी हां, बताया जा रहा है कि दोस्तों दमोह में मंगलवार दोपहर को अवैध पटाखा फैक्ट्री में, जी हां मंगलवार को अवैध पटाखा फैक्ट्री में एक ब्लास्ट हो गया। पटाखे फ्लैश में साथियों ब्लास्ट क्यों हुआ? बारूद की वजह से, बारूद होता है वहां पर, बारूद की वजह से पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया और मौके पर ही 11 मजदूर लोग बुरी तरह से झुलस गए यानी जल गए, जिनमें साथियों मौके पर तो 3 की मौत हो गई और वहीं पर ही साथियों 11 की हालत अभी भी गंभीर हो रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि अस्पताल में एक ने भी दम तोड़ दिया है। फैक्ट्री मालिक समेत 3 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में भी साथियों महिलाएं भी शामिल है। इस फैक्ट्री में काम कर रहे 11 मजदूर बुरी तरह से झुलस गए हैं। बारूद की चपेट में आने से फैक्ट्री मालिक की भी साथियों मौत हो गई। बताया जा रहा है कि साथियों धमाके की आवाज़ सुनकर स्थानीय नागरिक परिजन मौके पर पहुंच गए हैं। पुलिस के मुताबिक पटाखा फैक्ट्री अवैध थी, यह रिहायशी इलाके में चल रही थी। वहीं पर ही मलबे में पहले फैक्ट्री मालिक अभय गुप्ता का शव निकाला गया। गुप्ता का शरीर चिथड़ों में तब्दील हो गया। एसीपी सुनील तिवारी ने कहा है कि मामले में मजिस्ट्रियल जांच होगी, पूरी तरीके से जांच की जाएगी और 11 मजदूर इस मामले में घायल हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसी बेहद दर्दनाक खबर निकलकर दमोह से सामने आ रही है। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू।